आज हम आए हैं साइंस सिटी अहमदाबाद देखने के लिए, जो गुजरात साइंस सिटी है और अहमदाबाद में बनाया हुआ है ये पूरा। हम सुबह सुबह जल्दी ही पहुंच गए हैं। 10 बजे साइंस सिटी खुलता है, ओपनिंग टाइम है 10 बजे का, पर हम 9:30 बजे ही यहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए, सबका लाइन किया है, वैकेशन का समय है तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर का लाइन किया है। और आप ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं और यहाँ अक्रॉस द काउंटर भी टिकट मिलती है, पर यहाँ पर कैश नहीं लेते हैं, कार्ड से ही पेमेंट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। विशाल पार्किंग की सुविधा है, पार्किंग के चार्जेस अलग अलग है, 2 व्हीलर के लिए 20 रुपये, 4 व्हीलर का 50 रुपये और बसेस और बड़े व्हीकल्स के लिए 100 रुपये है। देखिए, हमने गाड़ी पार्क की और ये टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर खड़े हैं। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, यहाँ पर कैश नहीं लेते हैं। हमने टिकट ले ली, हमने कॉम्बो लिया है, कॉम्बो 499 रुपीज़ पर पर्सन, जिसके साथ ये हमें मैप भी दिया है। 499 में सब कुछ कवर हो जाता है, रोबोटिक्स से लेके प्लेनेट, प्लेनेटोरियम और लाइफ साइंस पार्क, फिर एम्फी थिएटर है, हॉल ऑफ साइंस है, आईमैक्स थिएटर। आईमैक्स जब हम गए साइंस सिटी में, तब ये आईमैक्स थिएटर बंद था, रिनोवेशन में था, और म्यूज़िकल फाउंटेन भी रिनोवेशन में ही था, तो ये 2-3 चीज़ हम नहीं देख पाए हैं। और जो एमपी थिएटर था उसका भी थोड़ा सा मरम्मत का काम चल रहा था। ये देखिए, बड़ा सा एंट्रेंस है और गोल्फ़ कार्ट भी है, अगर कोई चल नहीं पा रहे हैं, कुछ असुविधा है चलने में, तो उनके लिए भी गोल्फ़ कार्ट का भी सुविधा है और साइकिल की भी सुविधा है यहाँ पर। ये एक बहुत अच्छा है, आप साइकिल यहाँ से लेकर आप पूरा साइंस सिटी घूम सकते हैं, क्योंकि चलने का थोड़ा सा ज़्यादा है और एक दिन में पूरा कवर करना मुश्किल है साइंस सिटी। हर एक सेक्शन अगर आपको देखना है तो एक दिन में मुश्किल हो जाता है साइंस सिटी देखना। ये हम थ्रिल राइड देखने के लिए आए, पर थ्रिल राइड 11 बजे शुरू होती है, तो वहाँ से हम आगे बढ़े। बहुत विशाल जगह पर ये बनाया हुआ है, अंदर रेस्टोरेंट भी है। ये प्लेनेट अर्थ, सबसे पहले हमने प्लेनेट अर्थ देखा। दो राइड्स है उसके पैसे ये कॉम्बो में इंक्लूड नहीं है, एक तो थ्रिल राइड उसमें इंक्लूड नहीं है, और एक्वेरियम में एक 5D थिएटर है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, उसका टिकट आपको वहीं से अलग लेना है। बाकी 499 में पूरा सब कुछ कवर हो जाता है। रेस्टोरेंट में जो भी आप खाना खाते हैं वो भी आपको अक्रॉस द काउंटर पे करके लेना पड़ता है। ये देखिए, पूरा ग्लोब बनाया है प्लेनेट अर्थ में। प्लेनेट अर्थ में जो सारे नेचुरल डिजास्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरी विस्तृत माहिती यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, भूकंप का पूरा अनुभव, यहाँ पर कैसे भूकंप होता है और तब क्या स्थिति का निर्माण होता है, ये पूरा दिखाया है। Thank you.
ये कोल माइन पूरा दिखाया है। Well, you have to be more careful next time. Oh no! We missed our school bus. Now, I have an idea. Now, this 3D camera will help you control your jetpack. Follow me. ये सारे सेक्शन के अलग अलग मैंने वीडियोस भी डाले हैं पूरा डिटेल के साथ, एक्वेटिक से लेकर ये प्लेनेट अर्थ, फिर लाइफ नेचर पार्क, फिर रोबोटिक्स का भी वीडियो मैंने डाला है, थ्रिल राइड का भी वीडियो डाला है अलग से। तो ये सुंदर, ये सबसे पहला सेक्शन हमने देखा प्लेनेट अर्थ। साइंस सिटी बहुत विशाल एरिया में पूरा बनाया गया है, साइंस के प्रति विज्ञान के प्रति बच्चों का रुचि बढ़े और जानकारी प्राप्त हो, इसके कारण बहुत बड़े खर्चे के साथ ये पूरा साइंस सिटी का निर्माण किया गया। अब यहाँ से चलते हैं एक्वेटिक, जहाँ पर सबसे बड़ा एशिया का एक्वेरियम रखा है और बहुत वो भी एक विशाल जगह में ये एक्वेटिक पूरा बनाया है। आर्किटेक्चरली भी इसका बहुत अनूठा महत्व है और यहाँ पर ही इसी में एक्वेटिक में ही एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, जिसमें आप नाश्ता कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर नाश्ता करने के बाद फिर पूरा एक्वेरियम देखने के लिए निकले हैं। सुंदर पूरा, हर एक जो स्कल्पचर बनाए हैं, पूरा माहौल बहुत ही अच्छा बनाया है साइंस सिटी का। आईमैक्स थिएटर के बारे में हमने सुना है, बहुत ही सुंदर है, पर हम जब यहाँ पर अभी है तो ये रिनोवेशन में है आईमैक्स थिएटर। पर एक्वेटिक, थ्रिल राइड, हॉल ऑफ साइंस, ये सब बहुत अद्भुत जगह है देखने के लिए। ये देखिए एक्वेरियम, दुनिया भर की यहाँ पर अलग अलग रंग की, अलग अलग साइज़ की मछलियाँ रखी हुई है। ये पेंगुइन, अफ्रीकन पेंगुइन यहाँ पर लाए हुए हैं। बहुत ही रोमांचक है पेंगुइन को गुजरात में देखना इतनी गर्मी में, पर उनके लिए ऐसा माहौल तैयार किया गया है। बड़े बड़े एक्वेरियम के टैंक है यहाँ पर। फिर टनल है पूरा, एशिया का सबसे बड़ा टनल यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसमें शार्क टनल कहते हैं इसको। शार्क मछलियाँ हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी
मछलियाँ यहाँ पर है, बहुत खूबसूरत एक एक मछली देखना, बहुत मनोरंजन का यहाँ पर पूरा व्यवस्था है बच्चों के लिए, ज्ञान और मनोरंजन का सुयोग यहाँ पर किया है साइंस सिटी में। एक्वेटिक्स से हम जा रहे हैं रोबोटिक्स में पहुँचे। ये रोबोटिक्स में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर का पुतला खड़ा किया है यहाँ पर, ये देखे बच्चों के लिए तो इतना खुशी का बात है ये पूरा ट्रांसफॉर्मर देखना, विशाल कद का ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर खड़ा किया है एंट्रेंस में। अलग अलग साइज के 200 रोबोट्स हैं यहाँ पर, जो 80 तरीके के अलग अलग क्षेत्र में कैसे उनका उपयोग हो रहा है वो सारा दिखाया गया है, खेल कूद से लेके अंतरिक्ष तक। और रसोई घर पे यहाँ पर रोबो काफ़े भी है, तो रोबोट खाना सर्व भी करता है और रोबोट खाना बनाता भी है यहाँ पर। ये देखिए ये रोबोट, बहुत अद्भुत रोबोटिक्स गैलरी बनाई है यहाँ पर। इसका भी पूरा, अभी तो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ही ये वीडियो में डाले हैं, पर इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने अलग से हर एक सेक्शन का बनाया है, तो आप विस्तृत माहिती उसमें से भी आपको मिलेगी, देख सकते हैं आप पूरा। तबीब क्षेत्र से लेके रसोई घर तक और मनोरंजन क्षेत्र से लेकर हर एक क्षेत्र में आज रोबोट की उपयोगिता उतनी ही बढ़ी है, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग यहाँ पर दिखाया गया है रोबोटिक्स गैलरी में। रोबोट को फाइट करते हुए, रोबोट को खेलते हुए देखकर बहुत ही बच्चों को बड़ों को बहुत मज़ा आता है, इसीलिए तो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का भी यहाँ पर साइंस सिटी में सुसंयोग किया है। ये हॉल ऑफ स्पेस, हॉल ऑफ साइंस, यहाँ पर मंगल मिशन है, मिशन टू मंगल, ये मंगल राइड, मार्स पर पहुंचना है, ये भी एक रोमांचक राइड है यहाँ का जो हॉल ऑफ स्पेस, हॉल ऑफ साइंस में है। स्पेस एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका कप्तान। हम गुजरात साइंस सिटी से उड़ान भरने जा रहे हैं और अब हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के परिक्रमा करेंगे। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले और टेक ऑफ के झटके के लिए तैयार हो जाएं। अंतरिक्ष के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये यहाँ पर चंद्रयान चंद्र मिशन दिखाया है पूरा, और जो भी अपने भारत के अंतरिक्ष यात्री हुए, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के यहाँ पर मॉडल रखे हुए हैं उनकी यादगिरी में, जो भारत के लिए एक गर्व की बात है। फिर हम यहाँ से पहुँचे थ्रिल राइड, जो 11 बजे शुरू हो जाती है। थ्रिल राइड की भी टिकट कॉम्बो में इंक्लूड नहीं होती है, तो आपको वहाँ से ही टिकट खरीदनी है, ₹30 एक व्यक्ति का है थ्रिल राइड के लिए। ये बाकी के सारे जो भी सेक्शन है उसकी भी आप अगर कॉम्बो नहीं ले, आपको इंडिविजुअल टिकट्स लेनी है तो भी आप ले सकते हैं। जैसे रोबोटिक्स का बस के ₹200 हैं, एक्वेटिक्स के ₹200 हैं, बाकी अलग अलग ₹50, ₹25, ऐसे सबके अलग अलग चार्जेस हैं यहाँ पर हर एक सेक्शन के। Get up.
अब ये थ्रिल राइड के बाद हम पहुँचे नेचर पार्क। नेचर पार्क में फ्री एंट्री है, उसके लिए कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एंट्री चार्जेस देकर साइंस सिटी में, ये नेचर पार्क में आ सकते हैं। पिकनिक स्पॉट जैसा है यहाँ पर, और ये भी बहुत सुंदर, यहाँ पर हर एक सेल्फी पॉइंट्स रखे गए हैं। आप पूरा साइंस सिटी घूमकर, ये लास्ट में एग्जिट में बनाया हुआ है नेचर पार्क, तो अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स आप साइंस सिटी की याद साथ में ले जा सकते हैं। हम सुबह, जैसे मैंने पहले ही बताया, 9:30 बजे यहाँ पर आ चुके थे, अभी शाम को 7 बजने को आए हैं। ये पूरा दिन हमारा गया है इतना सब देखने में। उसमें भी अभी आईमैक्स थिएटर तो रिनोवेशन में था, एनर्जी पार्क भी बंद है, फिर एक और जो था वो हम रिनोवेशन में हम नहीं देख पाए। तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट, हम निकले, सुंदर है ये साइंस सिटी, देखने जैसा है। आप ज़रूर आइए साइंस सिटी में, और हर एक सेक्शन का आराम से, इसीलिए एक दिन में पूरा साइंस सिटी कवर करना मुश्किल है, पर हो जाता है कंफर्टेबली अगर आप समय से सुबह शुरू हो जा, जब साइंस सिटी ओपन होता है तभी पहुंच जाए, तो पूरे दिन में ये कवर अप कर सकते हैं साइंस सिटी को। तो इतना सुंदर है ये अहमदाबाद में बना हुआ गुजरात साइंस सिटी। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।